साब इंस्पेक्टर हैं इनके टीम ने, आपको ध्यान होगा पिछले वीक हमने दो लड़के पकड़े थे, उसी में से तीन लड़के और पकड़े हैं। ये तीनों हरदोई के रहने वाले हैं और इनका नाम है आलम, अपने नाम बदल के रहा था अलामू और अब्दुल नसीम करके, और दूसरा लड़का है संजू एलियस हारून एलियस अरुण नाम से रहता था, और तीसरा लड़का हमने पकड़ा है वो इंस्टेंटली वो माइनर निकल गया, करीब 17.5 साल का है, तो उसका नाम नहीं बता सकते हम। लेकिन ये लोग उसी गैंग के हैं जिस गैंग ने आपको ध्यान होगा 31 मार्च 1 अप्रैल की रात को शाहबाद डेरी के इलाके में पुलिस पार्टी पर हमला किया था, जिसमें एक हमारा कांस्टेबल को पेट में गोली लगी थी, एक हेड कांस्टेबल को सिर पे टाके आए थे, 43 टाके आए थे, और दोनों 15-15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहे थे। तो उसी गैंग में से, और उसमें सब लोगों पर 50-50 हज़ार का इनाम था, तो इसी सिलसिले में हमने तीन लड़कों को पकड़ा है। और अभी वो वहाँ पे वो जो गांव में सवारी है, जीप की सवारी चला रहा था, कोई कुछ मिंगल वर्क कर रहा था, वहाँ छुपे हुए थे अपने गांव में ही, उनसे हमारी टीम ने पकड़ लिया है। कोई और गिरफ्तारी होने की बात नहीं है इसमें? कुछ और बजा 7 आदमी बचे हुए थे, 7 हमने 5 को गिरफ्तार किया है, 2 और गिरफ्तार होना पड़ेगा। इन लोगों का बैकग्राउंड, ये लोग सबके सब दोनों यहाँ आए थे खेरा कला के इलाके में रहते थे 2010 में, जिसमें से कुछ कबाड़ी का काम करता था, छोटी मोटी चोरी वोरी भी करता था, लेकिन प्राइमरली दिन में कबाड़ी का काम करता था, और शाम को रात को गैंग बनाकर 10-12 लोगों का 15 लोगों का गैंग बनाकर, तो रहने वाले बेसिकली ये सब एक ही इलाके के रहने वाले थे। इंसिडेंट हुआ था, ये लोग वहाँ लोगों ने नाइट पेट्रोलिंग लगाई हुई थी, नरेला और शाहबाद डेरी की इकट्ठी पुलिस की पेट्रोलिंग थी, उस एरिया में कुछ वारदात ज़्यादा हो रही होगी, तो स्पेशल पेट्रोलिंग थी। ये लोग 14-15 आदमी जब दिखे हमारी पुलिस पार्टी को, पुलिस पार्टी ने वेरी लाइट पिस्टल चला कर देखा, तो पता चल गया जो काफ़ी अच्छी तादाद लोग हैं। पुलिस उन लोगों ने भी हमारी पुलिस पार्टी को देख लिया, तो हमारी पुलिस पार्टी में 5-6 लड़के थे, तो उन लोगों ने पुलिस पार्टी को के चैलेंज करने पर हमला कर दिया, सिपाही को पेट में गोली मारी, हवलदार को भी